See now, next question is, question number 4. यहाँ पे एक एनवायरमेंट कमेटी बनानी है, एनवायरमेंट कमेटी बनानी है 5 लोगों की, जिसमें 3 जेंट्स है और 2 लेडीज है, मतलब 3 मेंस एंड 2 वेमेंस आर देयर। और कमेटी जो बननी है, कमेटी में 2 लोग ही होंगे, कमेटी में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, ऐसे हम लोग कमेटी बनानी है। हमारे पास टोटल लोग कितने, 5। तो ये जो 2 जन है, वो 2 जन कौन हो सकते हैं कमेटी में, वो हम लोग को दिखाना है। नाउ सी, लेट 3 मैन डिनोटेड बाय M1, M2, M3। अब इनके नाम तो दिए नहीं है, राइट? तो M1, M2, M3, 2 वीमेन बी डिनोटेड बाय W1, W2। जैसे M1, M2, M3, तुमने तो रनिंग इसमें जो रनिंग में जाते हो, मैराथन में, तो क्या तुम्हारा नाम होता है ना, एक नंबर देते ना, नंबर नंबर से तुम्हारी पहचान होती है। वैसे यहाँ पे M1, M2, M3 और वीमेन के लिए W1, W2। ओके, नाउ द कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स, कमिटी कितने लोगों की बने, 2 लोगों की बनानी है। तो M1 M2 2 जन आ सकते हैं, वो 2 जन M1 M2 हो सकते हैं, या फिर M1 और M3 भी हो सकते हैं, समझ में ना, M1 और M2 हो सकता है, M1 और M3 भी हो सकता है, 2 जन की कमिटी तो ऑप्शन में है, या फिर M2 और M3 हो सकता है, M2 और M3 भी हो सकते हैं। अब M2 और M1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम ही रहेंगे ना, M1 M2 और M2 M1 एक ही है, सो M2 M3। या फिर M1 के साथ एक वीमेन जा सकती है, M1 W1 M1 W2 भी जा सकती है, वीमेन फर्स्ट वीमेन जैसे सेकंड भी जा सकती है। वैसे M2 के साथ वीमेन नंबर 1, वीमेन नंबर 2, M2 W2 के, उसके बाद M3W1, M3W2, समझ में, या फिर W1 W2 भी हो सकता है, कमिटी 2 जन की बनानी है ना, राइट? ऐसे नहीं बताना कि 2 लड़कियां नहीं हो सकती, या 2 लड़के नहीं हो सकते, 2 मेन ही नहीं हो सकते, या 2 वीमेंस ही नहीं हो सकते, ऐसे तो नहीं बताया, हम लोग को 2 पर्सन की कमिटी बनानी है। तो हो सकता है W1 और W2 ही रहेंगे। तो ये नंबर जो है कितने बनते, देखो सैम्पल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जोड़िया, 10 पेयर्स हमारे पास है, कितने पेयर है, 10 पेयर्स है। अब इसके ऊपर हमें कंडीशंस दिए, तो कंडीशन के तो हम लोग निकाल सकते हैं वापस। सी, अब इवेंट ए क्या है, सॉरी कंडीशन ए क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वीमेन, एक लेडी तो होनी ही चाहिए, एक वीमेन तो होनी ही चाहिए। सो एक वीमेन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, M1 W1 हो सकता है, या फिर M1 W2 भी हो सकता है, M2 W1 हो सकता है, या फिर M2 W2 हो सकता है, M3 W1 हो सकता है, या फिर M3 W2 भी हो सकता है, मेन नंबर 3 वीमेन नंबर 2, या फिर वीमेन नंबर 1 वीमेन नंबर 2 भी हो सकता है। क्या बताएं, एटलीस्ट 1 वीमेन चाहिए, एटलीस्ट 1, तो 1 से ज़्यादा रहेंगे तो अच्छा ना, 1 से भला 2, ये भी तो हो सकता है। तो W1 W2, तो ऐसे कितने पेयर्स निकले वापस, एज अ कंडीशन 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स निकले। अगर ऐसे ना कि एक मतलब कमिटी में एक लेडी होनी ही चाहिए, तो कैसे निकले, 7 निकले इसमें। बी में क्या दिया है, 1 मैन 1 वीमेन, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, एक M चाहिए एक क्या है W चाहिए, दोनों W या दोनों M नहीं चलेंगे, राइट? तो M1 W1 M1 W2, M2 W1 M2 W2, M3 W1 M3 W2, ये जोड़ी आ सकती है कि 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने पेयर बन गए, 6, कितनी जोड़ी आए से, 6। उसके बाद देयर शुड बी नॉट वीमेन मेंबर, अभी यहाँ पे कंडीशन है कि वीमेन चाहिए नहीं, वहाँ पे एक भी वीमेन नहीं चाहिए, थोड़ा डेंजर जोन है, ओके, इसलिए वहाँ पे क्या है ना कि वीमेन नहीं चाहिए। तो M1 M2 M1 M3 M2 M3, कितनी जोड़ियाँ बची, 1 2 एंड 3, तो 3 जो है ना, 3 मेन है, उनके अंदर जोड़ियाँ बनानी पड़ेगी, या तो M1 और M2, M1 और M3, या फिर M2 M3 देने पड़ेंगे। सो वो क्या आ सकता है, 3, नंबर ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट, 3, राइट? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉइन टॉस एंड डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन टॉस किया है और उसी समय एक डाई को भी हम लोगों ने थ्रोन किया और दोनों एक ही जगह पर गिर गए। क्या हुआ है, एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को
थ्रो किया, दोनों एक ही जगह पर बैठ आके गिर जाते हैं, तो हमारे सैंपल पॉइंट क्या बन सकते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब हेड और 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। हेड के साथ या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। वैसे ही हो सकता है टेल गिर जाए, टेल आ जाए अपर फेस के ऊपर, टेल और उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। T1, T2, T3, T4, T5, T6, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, राइट। अब इवेंट ए टू गेट हेड ऑन हेड एंड सॉरी ऑड नंबर, हेड होना चाहिए ऑड नंबर, तो हेड एंड ऑड नंबर मतलब H1, H3, H5 आ सकते हैं। H1, H3, H5 हेड भी है और ऑड नंबर भी है, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इवेंट बी में बेटा है टू गेट हेड और टेल एंड सॉरी यहाँ पे ऑड नंबर था, यहाँ पे इवेंट नंबर है, टू गेट हेड और टेल एंड एंड इवेंट नंबर, इवेंट नंबर कौन से है? 2, 4, 6। तो H2, H4, H6, H2 सॉरी T2, T4, T6 ये नंबर आ सकते हैं। क्या बताएं? टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, सो H2, H4, H6, T2, T4, T6, गॉट इट। नंबर ऑफ बीज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ बीज इक्वल टू 6। नाउ इवेंट सी, नंबर वन अपर फेस इज मोर देन 7 एंड टेल ऑन कॉइन, नंबर क्या होना चाहिए? 7, मोर देन 7। अब देखो टेल तो आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन उसके में 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, हम लोग को दोनों चाहिए साइमल्टेनियसली ना, साइमल्टेनियसली मतलब क्या? साथ में, तो साथ में दोनों चाहिए, हमें 7 भी चाहिए और टेल भी चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज देर आर 6 नंबर्स ओनली ऑन क्यूब, जो डाई होते हैं उसके ऊपर कितने होते हैं? 6 नंबर्स ही होते हैं। सो द कॉइन, तो सी इज इक्वल टू नल सेट, सी इज इक्वल टू नल सेट एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट? 0, अंडरस्टूड एवरीवन? Write down.